देखिए इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ग्रामर सीखने की शुरुआत कहां से करना चाहिए। अक्सर इंग्लिश सीखने वाले ग्रामर सीखने की शुरुआत टेंसेस यानी फेल के तीन जमानों पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर से करते हैं और एक लंबा वक्त उसमें गुजार देते हैं और इस तरह से उनके इंग्लिश सीखने का सफर अधूरा रह जाता है। अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो कभी भी टेंसेस यानी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से शुरुआत नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि टेंसेस सेंटेंस बेस्ड ग्रामर यानी जुमलों की बुनियाद पर बनाया गया ग्रामर है और सेंटेंस बेस्ड ग्रामर सीखकर कभी भी रिटोरिक नहीं सीखा जा सकता। रिटोरिक क्या होता है? रिटोरिक यानी अपने जुमले में फसाहत और बलागत और मानी पैदा करना। यानी आप ये तो सीख लोगे कि आई एम राइटिंग ए लेटर यानी मैं एक खत लिख रहा हूँ, लेकिन आप ये नहीं सीख पाओगे कि आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई मदर बिकॉज आई वॉन्ट टू लेट हर नो दैट आई एम सेलेक्टेड इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड अर्निंग मनी। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी माँ को एक खत लिख रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट हो चुका हूँ और मैं पैसा कमाना शुरू कर दिया हूँ। अगर आप ग्रामर अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको शुरुआत इंग्लिश मॉडल सेंटेंसेस से करना चाहिए क्योंकि सेंटेंस मैकेनिकल होता है यानी इसमें कई अल्फाज को जोड़कर जुमला बनाया जाता है और सेंटेंसेस में मॉडल्स लगाकर उसमें इमोशन यानी जज्बात डाले जाते हैं। मिसाल के तौर पर उसको थोड़ा इस तरह समझिए कि आई गो टू मार्केट यानी मैं मार्केट जाता हूँ, ये एक मैकेनिकल सेंटेंस है। आई कैन गो टू मार्केट, मैं मार्केट जा सकता हूँ। आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। आई शुड गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना चाहिए। अब देखिए कि आई गो टू मार्केट मैकेनिकल था, जब हमने इसमें मॉडल्स यानी उसी जुमले को जब हमने अलग अलग जुमलों में इस्तेमाल किया तो उसके अंदर इमोशन यानी उनमें से हर एक जुमले में एक अलग अलग जज्बा नजर आया। जबान क्यों सीखी जाती है? जबान या भाषा अपने भावनाओं को व्यक्त करने यानी अपने जज्बात को इजहार करने के लिए सीखी जाती है। इसीलिए आप सबसे पहले मॉडल्स सीखिए। मॉडल्स के साथ साथ जो दूसरी चीज आपको सीखना चाहिए वो है प्रीपोजिशन यानी हुरूफ़े रब्त। हुरूफ़े रब्त की मदद से आप दो अलग अलग इस्म को एक साथ कैसे जोड़ें और उन्हें मौका और महल के एतबार से कैसे इस्तेमाल करें उसके बारे में पता चलता है। अगर आप प्रीपोजिशन को बहुत आसानी से सीखना चाहते हैं तो आपको हमेशा किताब में जो तस्वीर नजर आती है फोटोग्राफ उसका इस्तेमाल करना चाहिए। देखें कि कैसे जुमलों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है, कैसे उनमें रब्त कायम किया जा रहा है। किताबों के अलावा आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल करके प्रीपोजिशन सीख सकते हैं। मॉडल्स और प्रीपोजिशन को सीखने के बाद आप कोई भी मामूली दर्जे की किताब उठाएं और उसको आप जैसे जैसे पढ़ते जाएं बस उसको जारी रखें, कंटिन्यू रखें और उसके अंदर जो भी आपको समझ में आएगा, जो कवायद आपको समझ में आएंगे उनके नोट्स बनाएं और उनका अपनी बातचीत में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। कहानियों को पढ़ना भी इंग्लिश सीखने का एक बेहतरीन तरीका माना जाता है। बस आप पढ़ते वक्त ग्रामर पर नजर रखें और आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने रोजमर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इस तरह से आपको जितना ग्रामर सीखना चाहिए आप सीख चुके हैं। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।